काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका यह समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का, उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेहंतिजले, कारुण्यतिजले, सेवनतिजले, त्यागतिजले, पर्यायमाण अम्मा, माता अमृतानंदमयी देवी, भारतिंडे दे महत्ताय, आध्यात्मिक परंपरा तिंडे नेरवकाशियां, हमारे यहां कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम्। इन महाउपनिषद आशयमण अम्मयुडे जीविता संदेशम, अर्थात अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। अम्मा का जीवन संदेश हमें महाउपनिषदों में मिलता है। मैं मठ से जुड़े संतजनों को, ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों को, सभी डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारी बंधु भगिनी को भी आज इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम काम ये राज्यम, न च स्वर्ग सुखानि च, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज
एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। जहां आरोग्य आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका है। भाई और बहनों, भारत ने अपने इस संस्कार और सोच को सदियों की गुलामी और अंधकार में भी कहीं कभी लुप्त नहीं होने दिया, उसे सहज करके रखा। आज देश में हमारी वो आध्यात्मिक सामर्थ्य एक बार फिर सशक्त हो रहा, हमारे आदर्शों की ऊर्जा एक बार फिर बलवती हो रही है। पूज्य अम्मा भारत के इस पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में देश और दुनिया अनुभव कर रहा है। उनके संकल्प और प्रकल्प सेवा के इतने विशाल अधिष्ठानों के रूप में आज हमारे सामने, समाज जीवन से जुड़े ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, पूज्य अम्मा का वात्सल्य, उनकी करुणा हमें हर जगह दिखाई पड़ती है। उनका मठ आज हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त कर रहा है। आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वच्छ भारत कोष में आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के कारण गंगा किनारे बसे उस इलाकों में काफी काम हुआ। इससे नमामि गंगे अभियान को भी काफी मदद मिली। पूज्य अम्मा, उनके प्रति पूरे विश्व का श्रद्धाभाव है, लेकिन मैं एक भाग्यवान व्यक्ति हूं, पिछले कितने ही दशकों से पूज्य अम्मा का स्नेह, पूज्य अम्मा का आशीर्वाद मुझे अविरत मिलता रहा है। मैंने उनके सरल मन और मातृभूमि के प्रति विशाल विजन को महसूस किया है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस देश में ऐसी उदार और समर्पित आध्यात्मिक सत्ता हो, उसका उत्कर्ष और उत्थान सुनिश्चित है। साथियों, हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की यह व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही हैं, लेकिन मैं इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखता हूं।
राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते थे। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण की मैं भूमिका निभाते थे, लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकारें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, अमृता हॉस्पिटल का यह प्रकल्प देश के दूसरे सभी संस्थाओं के लिए भी एक आदर्श बनेगा, आदर्श बन के उभरेगा। हमारे कई दूसरे धार्मिक संस्थान इस तरह के इंस्टीट्यूट चला भी रहे हैं, कई संकल्पों पर काम कर रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल के साथ साथ स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप की वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं का संसाधन उपलब्ध करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग, हर संस्था, हर सेक्टर के प्रयास का नतीजा होता है, ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। इसमें भी जो स्पिरिचुअल प्राइवेट पार्टनरशिप रही है, आज उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी, लेकिन जब समाज के धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा और उसका तुरंत असर भी हुआ। भारत को उस तरह की वैक्सीन हेसिटेंसी का सामना नहीं करना पड़ा जैसा अन्य देशों को देखने को मिला। आज सबका प्रयास की यही भावना है जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला पाया। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने अमृतकाल के पंच प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। इसकी इस समय देश में खूब चर्चा भी हो रही है। इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं तो हमारे कार्यों की दिशा भी बदल जाती है। यही बदलाव आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनका लाभ विश्व तक पहुंचा रहे हैं। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग आज एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति बन चुका है। भारत के इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाने जा रहा है। मोटा धान, मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप सभी इस अभियान को भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, अपनी ऊर्जा देते रहें। साथियों, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं का दायरा केवल अस्पतालों, दवाओं
और इलाज तक ही सीमित नहीं होता है। सेवा से जुड़े ऐसे कई कार्य होते हैं जो स्वस्थ समाज की आधारशिला रखते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ और शुद्ध पानी तक सामान्य से सामान्य नागरिक की पहुंच, ये भी ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में कितनी ही बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से ही पैदा होती रही है। इसलिए देश ने 3 साल पहले जल जीवन मिशन जैसे देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है, मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल, ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है, और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथियों, सही विकास होता ही वो है जो सब तक पहुंचे, जिससे सबको लाभ हो। गंभीर बीमारी के इलाज को सबके लिए सुलभ कराने की ये भावना अमृता अस्पताल की भी है। मुझे विश्वास है कि सेवा भाव का आपका ये अमृत संकल्प हरियाणा के, दिल्ली एनसीआर के लाखों परिवारों को आयुष्मान बनाएगा। एक बार फिर पूज्य अम्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।